इधर गुहाना में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं उन्होंने बेरोजगारी महंगाई में हरियाणा को नंबर वन बताया है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 8-10 साल के बाद किसी में नंबर एक बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में ये परिस्थिति बना दी और कर्जे में डूब गया। 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, ना एक यूनिट बिजली की बढ़ाई उन्होंने, ना एक मेट्रो बढ़ा, कुछ भी कहा किया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई संस्था बनाई जैसे हमने बनाई थी जगह जगह पे, लेकिन कर्जा 4.5 लाख करोड़ कर दिया। तो इस बात को लोग समझ चुके हैं अच्छी प्रकार से, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं।